बच्चों, बीते कुछ दिनों से हम संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। हम संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत किन चरणों से होकर गुजरा है, आज पुनः उसे एक बार दोहरा लेते हैं, क्योंकि विगत दिनों में मेरे ये देखने में आया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी। मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ इस बात को कि देखिए, उद्विकास का सिद्धांत संस्कृति क्या है ये आप भली भांति जानते हैं, और अगर हम एक परिभाषा को याद करने की कोशिश करें तो हर्स्कोविट्स ने कहा था संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अमूमन हम संस्कृति से जो अर्थ निकालते हैं वो है संस्कृति हमारे आचार विचार व्यवहार, ये सारी चीज़ें संस्कृति का हिस्सा हैं। कुल मिला के संस्कृति हमारे जीवन जीने का तरीका है। बहुत साधारण से शब्दों में अगर आप याद रखना चाहें तो संस्कृति हमारे जीवन जीने का तरीका है। इसके पश्चात हमने ये जाना था कि मनुष्य ही वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो सक्षम है संस्कृति का निर्माण करने में। आज हम पुनः उन प्रश्नों को दोहराते हैं जिन्हें हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, और ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि आप एक बार जब पुनः उसे दोहरा लेंगे तो आपके लिए सहजता होगी। जो नवीन प्रश्न आज हम जोड़ने जा रहे हैं संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत को समझने के लिए, उसके लिए आपको समझना आसान हो जाएगा। विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए आज मैं सारी बातों को दोहरा रही हूँ जो विद्यार्थी आज इस कक्षा में प्रथम बार जुड़े हैं। तो हमने जाना कि उद्विकास का जो सबसे पहला सिद्धांत था वो उद्विकासवाद था। थ्योरी ऑफ कल्चर ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो हम उद्विकास सिद्धांत की बात करते हैं, और उद्विकास सिद्धांत क्या कहता है ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने आपको 9वीं-10वीं क्लास का उदाहरण दिया था कि डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में जो जीव रचना से उत्पन्न होने वाले सभी परिवर्तनों की बात करते हुए कहा था कि कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरते हैं। आरंभ में जीव रचना बहुत सरल होती है, परंतु बाद में उसके बाद धीरे धीरे जब ये विकास होता है तो एक अंग दूसरे से पहले तो इतने संबद्ध होते हैं कि उन्हें सरलता से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, किंतु धीरे धीरे ये अंग स्पष्ट होने लगते हैं, है ना, और एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं। उसी आधार बिंदु को केंद्रित करके हर्बर्ट स्पेंसर ने जीवों के उद्विकास को समाज पर लागू किया था, और उन्होंने कहा था कि आरंभ में जो सामाजिक उद्विकास है उसमें कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबंध समानता से निश्चित तथा संबंध भिन्नता में बदल जाता है। और इसके लिए हर्बर्ट स्पेंसर ने सरल समाज और जटिल समाज की बात की थी कि सरल समाज मनुष्य समाज की आरंभिक अवस्था है, परंतु जटिल समाज उसके बाद की अवस्था है। और उद्विकास के सिद्धांत की बात सिर्फ हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं की थी, टाइलर मॉर्गन तथा लेवी ब्रूहल ने भी इसके बारे में चर्चा की थी। अब मुझे याद है, देखिए मैं याद करने की चेष्टा करती हूँ, तो मुझे याद आता है कि मैंने आपको बताया था मॉर्गन के बारे में। मॉर्गन ने तीन स्तरों की बात की थी, और कौन कौन से वो स्तर थे, जंगली स्तर, बर्बरता का स्तर और सभ्य अवस्था। और उन्होंने मॉर्गन ने जंगली अवस्था, बर्बरता का स्तर और सभ्य अवस्था को भी तीन स्तरों में बांटा था। याद करेंगे आपके वो कौन कौन से तीन स्तर हैं, वो तीन स्तर हैं कि पहले जंगली स्तर की जब उन्होंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जंगली या असभ्य अवस्था प्राचीन काल, मध्यकाल और उत्तर काल में विभक्त की जा सकती है। अब प्राचीन काल में क्या था, तब तक आग का आविष्कार हो चुका था या नहीं हुआ था, याद कीजिए नहीं हुआ था, ठीक है। तो प्राचीन काल में तो क्या था कि कच्चा मांस खाया जाता था, मछली मार के खाई जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, जो मध्यकाल था उसमें आग का उपयोग आरंभ हो गया था, और उत्तर काल जो था किसका, जंगली स्तर का, तो जो उत्तर काल था उसमें तीर और कमान का इस्तेमाल आरंभ हो गया था। दूसरी अवस्था क्या थी, बर्बरता की थी। बर्बरता की अवस्था में उन्होंने फिर तीन हिस्सों में विभक्त किया था, प्रथम, मध्य और उत्तर। तो प्रथम में उन्होंने क्या कहा था कि मिट्टी के पात्रों का निर्माण शुरू हो गया है। दूसरे स्तर में कहा था पशुपालन और कृषि में सिंचाई का प्रयोग शुरू हो गया।
तो ये सारी बात जब उन्होंने की तो साथ में उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया कि तृतीय अवस्था में क्या हुआ था, धातु गलाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। अब इसके बाद उन्होंने सभ्य अवस्था की बात की, तो सभ्य अवस्था तो आज आपके सामने वर्तमान में है, लेकिन उसका अगर हम प्रथम स्तर देखें तो वर्णमाला और लेखन के आविष्कार से इसका आरंभ माना गया, और उसके बाद हाँ जो वर्तमान में स्थिति है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉर्गन की, ठीक है। तो मॉर्गन ने, मैंने बहुत बहुत बार आपको ये दोहराया था, परंतु ये सारी बातें मैं उन विद्यार्थियों के लिए दोहरा रही हूँ जो विद्यार्थी आज प्रथम बार इस ऑनलाइन कक्षा से जुड़े हैं। तो मॉर्गन ने जो उद्विकासी सिद्धांत की बात की थी, उन्होंने उदाहरण दिया था विवाह, परिवार और नातेदारी के विकास पर, उसको केंद्रित करके उन्होंने उद्विकास सिद्धांत की बात की। और इनका ये मत था कि एक विवाह विवाह का सबसे ऊंचा स्तर है, जो यौनाचार से प्रारंभ होकर समूह विवाह, बहुपति विवाह, स्वेच्छा विवाह इस प्रक्रिया से गुजरता है, लेकिन इसका सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, एक विवाह है, ठीक है। तो मॉर्गन ने एक तो विवाह की बात की, फिर उन्होंने परिवार की बात की। याद रखिएगा, देखिए बच्चों, ये कई बार जब 2 नंबर के प्रश्न आते हैं तो आपको बहुत संक्षिप्त में इतना सटीक उत्तर देना होता है कि बहुत लंबा चौड़ा ना लिखकर भी आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकें। उसके बाद हम आते हैं रक्त संबंधी परिवार पे, सॉरी परिवार के जो 5 स्तर की मॉर्गन ने बात की थी, तो उसमें उन्होंने रक्त संबंधी परिवार, फिर समूह परिवार, फिर सिंडेसिमियम परिवार, फिर पितृसत्तात्मक और एक विवाही परिवार। तो याद रखने योग्य आपके पास कौन कौन से बिंदु हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जब उद्विकासी सिद्धांत की बात की थी तो उन्होंने सरल समाज और जटिल समाज की बात की, मॉर्गन ने जब बात की तो उन्होंने जंगली स्तर, बर्बरता स्तर और सभ्य अवस्था की बात की, और इन स्तरों को उन्होंने 3-3 हिस्सों में विभक्त किया। तत्पश्चात तो उन्होंने हमने मॉर्गन की बात की, ये सारे किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, उद्विकासी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। मॉर्गन ने विवाह और परिवार को आधार बिंदु, केंद्र बिंदु बनाकर किसकी बात की, उद्विकासी सिद्धांत की बात की। और उन्होंने विवाह का, जब उन्होंने विवाह का उल्लेख किया तो उन्होंने कहा कि समूह विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह के स्तरों से गुजरता हुआ विवाह, विवाह जो संस्था थी वो एक जगह जाके रुकी, वो थी एक विवाह परिवार, एक विवाही परिवार, जो कि सर्वश्रेष्ठ स्तर है। उसी प्रकार से उन्होंने परिवार की भी बात की। अब हमने अभी तक बात की मॉर्गन की, और किसकी बात की हमने, हर्बर्ट स्पेंसर की, और किसकी बात की हमने, अब हम बात करेंगे टाइलर की। टाइलर ने जो उद्विकासी सिद्धांत की बात की, उन्होंने कला के आधार पर बताया, सॉरी धर्म के आधार पर बताया था। धर्म के आधार पर उन्होंने क्या बताया था कि बहु देववाद से एक देववाद की उन्होंने बात की। अब हेडन ने जो बात की थी वो कला के आधार पर बात की थी, यथार्थकारी कला, संकेतवादी कला, रेखाचित्र आदि की उन्होंने बात की। और लेवी ब्रोहल ने आदिम तर्क और आधुनिक तर्क की बात की, ठीक है। ये हमने उद्विकासी सिद्धांत पिछली कक्षा में पढ़ा, और आज मैंने आपको ये सब इसलिए दोहराया कि जो नए विद्यार्थी आज इस कक्षा से जुड़े हैं वो इस बात को समझ सके। लेकिन बच्चों, आपको ये भली भांति आपको याद होगा कि इस सिद्धांत की बहुत अधिक आलोचना हुई। तत्पश्चात आलोचना क्यों हुई, क्योंकि इस मान्यता को नहीं माना जा रहा था कि सभी व्यक्तियों में एक सी मानसिक एकता पाई जाती है, क्योंकि उद्विकासी सिद्धांत में इस बात को रखा गया कि सभी व्यक्तियों में एक सी मानसिक एकता पाई जाती है, ठीक है। अब इस कारण से नव उद्विकासवादी का जो संशोधित रूप है वो उस रूप में उभर कर आया, उद्विकास के सिद्धांत की आलोचना के रूप में। और नव विकासवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था लेस्ली वाइट एवं स्टीवर्ड ने, और इन दोनों ने क्या कहा था, दरअसल जो उद्विकासी सिद्धांत था वो सीधी सरल रेखा के रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर बढ़ने की बात करता है, जबकि नव उद्विकासवादी सिद्धांत ने उन आलोचनाओं का उत्तर के रूप में प्रत्युत्तर दिया, और लेस्ली वाइट और स्टीवर्ट ने इसे परवलिक वक्र रेखा के रूप में बताने की चेष्टा की। और मैंने बकायदा आपको एक, आपका जो PDF नोट्स मैंने आपको उपलब्ध कराए थे उसमें आपको एक वक्र रेखा के रूप में मैंने आपको बताने की चेष्टा की थी कि किस प्रकार से जो नव उद्विकासी सिद्धांत है वो इस बात की मान्यता पर टिका हुआ है कि मनुष्य का जो आरंभिक जो उसने जो उसका रूप है उसमें
परिवर्तन हुआ लेकिन पुनः वो उसी रूप में लौट कर आ जाता है, यद्यपि वो जो बदला हुआ रूप है वो कहीं अधिक परिष्कृत होता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत बेहतर उदाहरण दिया था, जैसे वस्त्रों की बात की थी कि आरंभ में जब आदिम अवस्था थी तो वस्त्रों का अभाव था, परंतु उसके बाद जो मध्य अवस्था आई उसमें शरीर पर वस्त्र धारण करने आरंभ हो गए थे, सॉरी, और तत्पश्चात बाद में आज की अवस्था की जब हम बात करते हैं तो वह कम से कम वस्त्र पहनने का एक चलन सा हो गया, और उसे तर्कों के आधार पर सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है, उसे स्त्री अधिकार की बात या पुरुष अधिकार की बात की जाती है, या ये कहना चाहिए अधिकार से कहीं ज़्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है। और यहाँ हम देखिए बहुत अधिक डिटेल में मैं इसे नहीं बता रही क्योंकि ये सब मैं आपको पूर्व में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे प्रसार के सिद्धांत की। पिछली कक्षा में मैंने इसका एक बिंदु जिसे प्रसार का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिफ्यूज़न कहते हैं, इसका एक बिंदु मैं आपको समझा चुकी हूँ, परंतु फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं दोहराती हूँ। और प्रसार विद्युत सिद्धांत के बारे में अगर हम परिभाषा और याद करने की कोशिश करें तो मजुमदार और मदान की परिभाषा मुझे याद है इसलिए मैं दोहरा रही हूँ कि मजुमदार और मदान ने कहा था कि लोगों के बीच में जहाँ किसी भी तरह का भौतिक सामीप्य होता है वहाँ बड़ी चढ़ी मात्रा में अंतरंग संप्रेषण होता है, और जब ये अंतरंग संप्रेषण होगा तो स्वाभाविक तौर पर सेवाएं, विश्वास, जो कुछ भी आपके जीवन जीने का तरीका है, प्रथाएं, ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं और एक नया रूप, नया आकार निकल कर आता है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि जो जब दो डिफ्यूज़ कर लेते हैं, जो अलग अलग दो अगर हम कलर लें है ना, तो वो दो अलग कलर का कॉम्बिनेशन आप मिला के देखेंगे तो एक नया कलर निकल कर आता है, रंग निकल कर आता है। अगर आप लाल रंग को और पीले रंग को मिला लेंगे तो एक नया रंग निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बात ये प्रसार का सिद्धांत, ये डिफ्यूज़न की थ्योरी की बात करता है। और मैंने आपको ब्रिटिश प्रसारवादी सिद्धांत की बात की थी जहाँ बड़ा इसका विरोध हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रहों से ग्रसित लग रही थी, और यहाँ पर लेकिन इसके जो प्रतिपादक थे वो इलियट स्मिथ और पैरी थे, और पैरी ने तो अपनी पुस्तक द चिल्ड्रन ऑफ सन में कहा था कि जिस प्रकार से सूर्य समस्त विश्व को, संसार को रोशनी देता है, उजाला देता है, उसी तरह से मिस्र की सभ्यता ने सारे संसार को वो उजाला दिया, वो रोशनी दिया, और यही सभ्यता मिस्र की सभ्यता कहाँ फैली, ये पैरी का मानना था कि ये अमेरिका, कंबोडिया, इंडोनेशिया, पोलिनेशिया, भारत सब जगह फैली है ना। तो ये माना गया कि जो कुछ सारे संसार में संस्कृतियों के पास जो कुछ भी व्याप्त है वो मिश्र का दिया हुआ है, परंतु इस चीज़ की भारी आलोचना हुई और यहाँ तक कहा गया कि मान लीजिए पैरी और स्मिथ हिंदुस्तान में रह रहे होते, भारत में रह रहे होते, तो शायद वो भारत के बारे में इस तरीके से बात कर रहे होते। और आज हम जो बात पढ़ेंगे, अब हम बहुत विस्तार से पढ़ने की चेष्टा करेंगे, संस्कृति चक्र या जर्मन प्रसारवादी संप्रदाय ये क्या कहता है। जर्मन प्रसारवादी संप्रदाय इसका दृष्टिकोण देखिए, अभी तक तो हमने ब्रिटिश प्रसारवादी सिद्धांत पढ़ा जिसकी मैंने आपसे अभी अभी कहा, एक पल पहले कहा कि उसकी भारी आलोचना हुई है ना। तो ये जो जर्मन प्रसारवादी संप्रदाय था ये कहीं अधिक तर्कपूर्ण एवं परिष्कृत था, उन्होंने उद्विकास और प्रसार दोनों का मिश्रण किया। उसको तर्कपूर्ण बताने के लिए जो जर्मन प्रसारवादी संप्रदाय के सामाजिक वैज्ञानिक थे, मानव शास्त्री थे, उन्होंने क्या किया, जो उद्विकासी सिद्धांत की जो सकारात्मक बातें थी उसे और प्रसार सिद्धांत की सकारात्मक बातें, उन दोनों का सम्मिश्रण किया। और इसके जो अगुवा थे, इसके जो प्रतिपादक थे वो फादर शिमिट थे, और समर्थक कौन थे, एंकरमैन थे, एफ ग्रेबनर भी इनमें एक प्रमुख जो समर्थक रहे हैं संस्कृति चक्र या जर्मन प्रसारवादी संप्रदाय के। इस संप्रदाय के मानने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक संस्कृति के प्रसार का एक ऐसा घेरा होता है, और इस घेरे को हम ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर घेर कर ज्ञात कर लेते हैं। इनकी मान्यता क्या है, इनकी मान्यता है कि संस्कृति का, ध्यान से सुनेगा फिर मैं समझा दूंगी और समझा दूंगी आपको, कि इनकी मान्यता है कि संस्कृति का जन्म भिन्न भिन्न स्थानों पर हुआ और फिर दूसरे स्थानों पर इसका प्रसार हुआ।
समय समय पर विभिन्न स्थानों पर संस्कृति के तत्वों का जन्म होता रहता है और दूसरे स्थानों पर फैलते रहते हैं। देखिए संस्कृति तत्व क्या हैं, भली बात ही आपको याद होगा, अगर मैं पुराना दोहराने जाऊंगी तो आज का मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो इसलिए आप याद कीजिएगा। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे संस्कृति तत्व के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है आपके पास, आप अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप को खोल के देखेंगे तो आपके संस्कृति तत्व से संबंधित जो PDF नोट्स हैं वो भी आपके पास उपलब्ध हैं, ठीक है, तो उसे पढ़िएगा। और ये जर्मन प्रसारवादी सिद्धांत क्या कहता है कि संस्कृति का जन्म भिन्न भिन्न स्थानों पर हुआ है और फिर दूसरे स्थानों पर इसका प्रसार हुआ है। समय समय पर विभिन्न स्थानों पर संस्कृति का जन्म होता रहता है, ये जर्मन प्रसारवादी कहते हैं, और अलग अलग जगह जन्म होता है लेकिन फिर दूसरे स्थानों पर ये फैलते रहते हैं। यदि हम सांस्कृतिक तत्वों के इतिहास को ज्ञात करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनका उद्गम कहाँ हुआ है, किस स्थान से प्रसारित हुए हैं, क्योंकि ये संप्रदाय सांस्कृतिक तत्वों के इतिहास को ज्ञात करने पर बल देता है। किस पे बल देता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जर्मन प्रसारवादी जो संप्रदाय है वो किन तत्वों को जानने पर बल देता है, तो आपका उत्तर होगा ये संप्रदाय सांस्कृतिक तत्वों के इतिहास को ज्ञात करने पर बल देता है, इसलिए इसे ऐतिहासिक प्रसारवादी संप्रदाय भी कहते हैं। शुड आई रिपीट इट अगेन, क्या मैं दोबारा दोहराऊँ, क्यों इसे ऐतिहासिक प्रसारवादी संप्रदाय कहते हैं, क्योंकि यह संप्रदाय सांस्कृतिक तत्वों के इतिहास को ज्ञात करने पर बल देता है। अब ग्रेबर ने सांस्कृतिक प्रसार को ज्ञात करने का जो डिफ्यूजन है ना, उसको ज्ञात करने की दो विधियों का उल्लेख किया, स्वरूप और संख्या, ठीक है। अभी स्वरूप और संख्या क्या है, जब भी हमें दो सांस्कृतिक समूह में सांस्कृतिक तत्वों की समानता दिखाई दे तो हमें ये ज्ञात करना चाहिए कि उनके स्वरूप एवं संख्या में कितनी समानता है। उदाहरण दूंगी तो शायद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें ये देखना होगा, जैसे एक राशि चक्र है, राशि चक्र का अगर आप पिक्चर देखें, जो चित्र बना हुआ उसे देखेंगे तो आपको मेरी बात और सहजता से समझ में आ जाएगी कि राशि चक्र का प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ है या नहीं, इसके लिए देखना पड़ेगा। किस कौन कह रहा है, प्रसारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक, ये देखना पड़ेगा कि अलग अलग जगह प्रचलित राशि चक्रों के चिन्ह समान हैं या नहीं हैं। याद रखिएगा, क्या देखना पड़ेगा कि अलग अलग जगह प्रचलित राशि चक्रों के चिन्ह समान हैं या नहीं हैं, चिन्हों की संख्या समान है या नहीं है, और चिन्हों को घड़ी की सीधी तरफ से देखा जाए और उल्टी तरफ से। तो इन्होंने इस बात को लॉजिकली स्थापित करने की, तार्किक तौर पर स्थापित करने की कोशिश की कि यद्यपि सांस्कृतिक तत्व अलग अलग जगह अलग अलग स्थान पर होते हैं और उनका प्रसार होता है और उनका सम्मिश्रण होता है, बावजूद उसके ये कोई भी सांस्कृतिक तत्व कहाँ से उसका उद्गम स्थल है उसको जाना जा सकता है। अब इस सिद्धांत की आलोचना क्या हुई, इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना यह हुई कि यह सिद्धांत यह तो बताता है कि सांस्कृतिक प्रसार हुआ, परंतु सांस्कृतिक प्रसार क्यों हुआ यह नहीं बताता। इस प्रश्न का उत्तर देना यह नहीं देता कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांस्कृतिक प्रसार के कारणों का विश्लेषण इसके क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। बहुत स्पष्ट तौर पर इसकी आलोचना अगर हम सिर्फ दो पंक्तियों में करें, यह असाइनमेंट में आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ कि जर्मन प्रसारवादी सिद्धांत की क्या आलोचना अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा की गई, तो आपका उत्तर होगा कि यह सिद्धांत यह तो बताता है कि सांस्कृतिक प्रसार हुआ है, पर सांस्कृतिक प्रसार क्यों हुआ है इस संबंध में इस संप्रदाय के विद्वानों ने कोई चर्चा नहीं की। अब कोई ना कोई तो फिर चर्चा करेगा, क्योंकि देखिए कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित होता है तो उस सिद्धांत के प्रतिपादन के पश्चात उसके संबंध में जो दूसरे वैज्ञानिक हैं जो उस सिद्धांत से जुड़े हुए नहीं उसके संबंध में भरपूर चर्चा करते हैं और तत्पश्चात उनमें कमियां निकाल के उसकी आलोचना करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जिन बिंदुओं पर आलोचना हुई है उसका पुनः विश्लेषण किया जाता है और एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है जो उन आलोचनाओं का प्रत्युत्तर होता है। तो उसके प्रत्युत्तर किसके, जर्मन प्रसारवादी सिद्धांत के प्रत्युत्तर में अमेरिकन प्रसारवादी सिद्धांत की बात हुई। इस सिद्धांत के प्रमुख नेता या प्रतिपादक कौन थे, अमेरिका के मानवशास्त्री फ्रेंच बोआस तथा क्लार्क
बिस्लर। क्लार्क बिस्लर का नाम तो मैं पहले भी आपसे काफ़ी बार चर्चा कर चुकी हूँ। तो इन्होंने सांस्कृतिक प्रसार क्यों होता है को प्रकट करने का प्रयास किया, ठीक है, क्यों होता है इस संबंध में उन्होंने चर्चा की। अब क्या चर्चा की, इन्होंने कहा कि बोआस ने स्पेशली, जिसकी बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ, बोआस ने उत्तरी अमेरिका को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभक्त करके वहाँ की खाद्य सामग्री, भाषा, धर्म, सामाजिक संगठन, ग्रह, देखिए जब आप आलोचना का प्रत्युत्तर देंगे तो आपको पहले स्वयं बहुत शोध करना होगा, स्वयं बहुत अध्ययन करना होगा, तभी संभव है कि आपने जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है उस क्वेश्चन मार्क का आप आंसर दे सकें। तो बोआस ने उत्तरी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को विभक्त किया, पहले अलग अलग किया और फिर वहाँ की, देखिए खाद्य सामग्री, भाषा, धर्म, सामाजिक संगठन, ये क्या है, सब संस्कृति का हिस्सा है। तो जब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं तो इन सब का अध्ययन करना बहुत स्वाभाविक है। तो बोआस ने खाद्य सामग्री, भाषा, धर्म, सामाजिक संगठन, गृह निर्माण कला आदि का अध्ययन किया, कहाँ की, उत्तर अमेरिका, ठीक है। अब उसके बाद बोआस ने क्या कहा, बोआस ने कहा कि प्रसार को समझने के लिए आवश्यक है कि संसार को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ भारत का, भारत में दक्षिण भारत की जो संस्कृति है वो महाराष्ट्र की संस्कृति से अलग है, जो उत्तर भारत की संस्कृति है वो पश्चिम भारत की संस्कृति से अलग है, पूर्वी भारत की संस्कृति बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है दक्षिण भारत से। तो बोआस कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी विश्व भर की का संस्कृति का एक गहराई से अध्ययन करना है तो ये आवश्यक हो जाता है, या प्रसार के सिद्धांत को समझना है तो ये आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों को पहले विभाजित कर लिया जाए, इसके पश्चात उन क्षेत्रों में ऐसे सांस्कृतिक तत्वों को ढूंढा जाए जो प्रसार के द्वारा वहाँ विकसित हुए हों, और इसी की सहायता से उन कारणों को भी ज्ञात किया जा सकता है जो प्रसार को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो बोआस प्रसार संबंधी अध्ययनों को निम्न क्रम अवस्था में बांटने पर बल देते हैं। पहला क्रम कौन सा है, प्रसार स्थिति के तथ्यों का वर्णन, कौन सा क्रम है, प्रसार स्थिति के तथ्यों का वर्णन। दूसरा क्या है, विश्लेषणात्मक अध्ययन, ये विशेष रूप से सामान्य या तथ्य से सिद्धांत की ओर, कौन से, सामान्य या तथ्य से सिद्धांत की ओर करने का प्रयास है, विशेष से सामान्य और तथ्य से सिद्धांत, दो चीज़ें, ठीक है, विश्लेषण अध्ययन, तथ्य, विशेष से सामान्य और तथ्य से सिद्धांत की ओर अग्रसर होने का प्रयास है। फिर बोआस क्या कहते हैं, पूरे विश्व का मानचित्र बनाने की आवश्यकता, जिससे इसे अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सके। फिर वो बात करते हैं संपर्क की गत्यात्मकता की, कि इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं बिस्लर की, बिस्लर क्या कहते हैं, बिस्लर की मान्यता है कि विशिष्ट सांस्कृतिक तत्वों का जन्म उस संस्कृति के केंद्र में ही होता है। बार बार यहाँ सांस्कृतिक तत्व आ रहा है, तो अगर आप मेरे सामने होते तो अवश्यंभावी रूप से मैं आपसे पूछती सांस्कृतिक तत्व क्या है। अब इसे आप अपना असाइनमेंट माने कि हर बच्चे को सांस्कृतिक तत्व, मैंने आपको भली भांति आपको याद होगा जो बच्चे पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़े हैं, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र, ये वो पारिभाषिक शब्दावली है जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में हर हालत में पूछी जाती है, कभी किसी शब्दावली को पूछा जाता है, कभी किसी शब्दावली को, तो इसे आप याद रखिएगा। तो बिस्लर की क्या मान्यता है कि विशिष्ट सांस्कृतिक तत्वों का जन्म उस संस्कृति के केंद्र में ही होता है और धीरे धीरे वो बाहर की ओर फैलता है। तो प्रसार के दौरान संस्कृति तत्व पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित होते हैं, प्रमुखता अभौतिक तत्वों से अधिक परिवर्तन होते हैं, परंतु ये परिवर्तन सीमा तक पहुँचते हल्के पड़ने लगते हैं और दूसरे सांस्कृतिक समूह का इस पर प्रभाव पड़ने लगता है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, एक ऐसा उदाहरण देखिए मैं आपको बताती हूँ, गुजरात में क्या है कि जो दाल है या अधिकतर दाल या कुछ सब्जियां ना तीखी ना होके मीठी बनती,
बहुत ज़्यादा मीठी नहीं, पर उनमें हल्की सी मिठास होती है। यहाँ तक कि जो समोसा होता है ना, उसमें भी किशमिश वगैरह डाली जाती है, जिससे समोसे में भी मिठास आ जाती है। अब राजस्थान की जो संस्कृति है, वहाँ तीखी मिर्ची खाई जाती है, हर चीज़ में बहुत तीखी मिर्ची होती है। लेकिन जैसे ही आप गुजरात की तरफ बढ़ेंगे, और राजस्थान का जो क्षेत्र गुजरात से लगा हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्र होने के बावजूद भी वहाँ गुजरात की संस्कृति का, आप बांसवाड़ा और उससे आगे के क्षेत्र की तरफ चले जाइए, आपको वहाँ का जो भोज्य पदार्थ है, वहाँ पर जो बेसिक राजस्थान का कल्चर है वो उतना नहीं दिखाई देगा। उसमें दिखाई तो देगा, लेकिन उसमें बहुत कुछ इम्पैक्ट किसका आ जाएगा, गुजराती कल्चर का भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मुझे बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मैं उदयपुर आज से 20 साल पहले जब कुछ समय के लिए मेरा वहाँ रहना हुआ, तो उस समय जहाँ तक मैं समझती हूँ अजमेर और आगे की तरफ, अजमेर से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर डांडिया नहीं खेला जाता था, क्योंकि डांडिया खेलने की प्रथा मुख्य तौर पे गुजरात में है। लेकिन गुजरात और उदयपुर में समीपता है, भौगोलिक समीपता है, तो वहाँ पर आज से 25 वर्ष पूर्व भी, 20-25 वर्ष पूर्व भी डांडिया खेलने की प्रथा थी। तो ये चीज़ एक उदाहरण आपको इसलिए दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बिस्लर जो बात कह रहे हैं कि प्रसार का सिद्धांत अभौतिक तत्वों या भौतिक तत्वों में, बेसिकली अभौतिक तत्वों का ही यहाँ पर इम्पैक्ट अधिक होता है, ये परिवर्तित होता है, लेकिन जिस गति से परिवर्तित होता है और जब दूसरी सीमा में प्रवेश कर रहा होता है, तो परिवर्तन की गति धीमी हो जाती है, वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, और दूसरे सांस्कृतिक समूह के प्रभाव के कारण उसमें दो सांस्कृतिक समूह की सीमाएँ मिलती हैं, इसलिए सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिश्रण उसमें दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पर संस्कृति ग्रहण की। पर संस्कृति ग्रहण क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पर संस्कृति ग्रहण। जिस तरीके से हमने अभी तक बिस्लर की बात की, तो पर संस्कृति ग्रहण का भी एक सिद्धांत है। इससे पहले हमने किस सिद्धांत की बात की? प्रसारवादी सिद्धांत की बात की थी। पर संस्कृति ग्रहण का सिद्धांत क्या कहता है? ये मजुमदार एवं मदान ने पर संस्कृति ग्रहण को परिभाषित करते हुए कहा था कि जब संस्कृति तत्व या संकुल प्रसारित होते हैं, फैलते हैं, डिफ्यूज होते हैं, तब इस प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप अभी पढ़ चुके हैं, प्रसार का जब सिद्धांत पढ़ा। किंतु जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन के दौर में होती है, या समझिए, देखिए, जब प्रसारवादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो प्रसारवादी सिद्धांत में क्या होता है कि एक संस्कृति आगे बढ़नी शुरू हुई, अब वो आप खुद ब खुद चल के नहीं बढ़ती है, उसके वाहक कौन है? मनुष्य है। तो वो मनुष्य जब दूसरी संस्कृति, दूसरे क्षेत्र में जाता है जहाँ की अलग संस्कृति है, परंतु वहाँ सम्मिश्रण से उन दोनों संस्कृतियों में एक मेल मिलाप की स्थिति हो जाती है, और कोई भी संस्कृति अपने जो वास्तविक रूप है उसको स्थायी नहीं रख पाती, दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्रण हो जाता है। पर संस्कृति ग्रहण इससे अलग है। ये बात क्या, वो किस तरीके से अलग है कि जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति बदल जाती है, परिवर्तन के दौर में होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर संस्कृति ग्रहण। फिर दोहराऊं, देखिए, जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तित हो जाती है। अभी तक तो हम प्रसारवादी सिद्धांत में क्या कर रहे थे कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में जाके मिल जाती है, तो पहली संस्कृति का अपना मूल रूप स्थायी नहीं रह पाता, ना ही जिस संस्कृति से वो जाके मिली है उसका भी मूल रूप स्थायी रह पाता है, दोनों संस्कृतियों में सम्मिश्रण हो जाता है। परंतु पर संस्कृति ग्रहण का सिद्धांत क्या कहता है? पर संस्कृति ग्रहण का सिद्धांत ये कहता है कि जब सांस्कृतिक तत्व या संकुल प्रसारित होते हैं, तब इस प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन के दौर में होती है, एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन के दौर पर होती है, तो इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं।
ठीक है। अब इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कल की कक्षा में। और मैं ये आशा करती हूँ बच्चों कि संस्कृति का जो आपका ये पूरी पहले हमने संस्कृति की अवधारणा पढ़ी, आपका जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट का ये सेकंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड थ्योरीज ऑफ कल्चर ग्रोथ। ये टॉपिक आपका बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न और 20 अंक के प्रश्न आने की आपका स्पष्ट तौर पर एक प्रश्न ऐसे आ सकता है। मैं देखिए मेरा ये प्रयास है कि मैं आपके 3 टॉपिक कराने के बाद कुछ आपको मॉडल क्वेश्चन दूंगी और उनके मॉडल आंसर भी दूंगी कि किस प्रकार से उत्तर लिखे जाने अपेक्षित होते हैं अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही हूँ, भरसक परिश्रम कर रही हूँ। बस आशा यही करती हूँ कि इस परिश्रम में आपका सहयोग प्राप्त होगा। तो कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होता जिसमें कम परिश्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन ये संस्कृतिकरण का जो आपका टॉपिक है और थ्योरीज ऑफ कल्चरल ग्रोथ की बात होती है, संस्कृति संवर्धन सिद्धांत की बात होती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें से कम 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग अंक की परिधि में आने की रहती है। इसलिए प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा। कहीं पर भी कोई भी तत्व, कोई भी तथ्य, कोई भी अवधारणा समझ में ना आए तो आप बेझिझक मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका थर्ड ईयर का बना हुआ है उस पर आप अपनी क्वेरीज डालिए और यथासंभव मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। और इसी आशा के साथ कि आप ना केवल इस वीडियो को देखेंगे, थोड़ी देर में जब मैं आपको PDF नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगी तो उसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। और प्लीज़ जो मैं आपको असाइनमेंट रोज़ 3 असाइनमेंट देती हूँ उन्हें करने की कोशिश कीजिए। इसमें अगर आप इन असाइनमेंट्स को करेंगे तो मैं आपको एक विश्वास तो दिलाती हूँ कि आपका जो सेकेंड ईयर का पेपर है, सॉरी जो सेकेंड पेपर है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें बहुत अच्छे अंकों की आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।